हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी फॉर इंद्राज। ये मेरे पीछे हमारी मेट्रो आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। तो आज हम लोग घूम रहे हैं दादाजी के साथ। यस, मेरे को पता है मैं बहुत दिन बाद कुछ वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए, बट कोई बात नहीं, 11th चल रही है मेरी। ये शहीद नगर है, शहीद नगर। हाँ, तो आज मैं लेके जा रहा हूँ दादी को चांदनी चौक। दादी मेरे को ले जा रही है चांदनी चौक। पहली बार मैं मेट्रो में बैठा हूँ, दादी ने बैठा मेरा। हाँ, बैठा तो हूँ मैं। और दादी को मैं आज खिलाऊंगा, क्या खाइए दादी? टुटने का भाई, मैं कबाब खाएगी, शवरमा। मैं तो खाऊंगा शवरमा। शवरमा शवरमा क्या होता है वहाँ पे, देखिएगा। दादाजी आप क्या खाएंगे? हम लोग जानते हैं क्या खाएगा, जो सब लोग खाएंगे। दादी को एक आपत्ति है, वो लेडीज ओनली लिखा हुआ है और वो सीट पे लेडीज ओनली लिखा हुआ है। दादी विद्रोह, प्रोटेस्ट, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो पीछे जो आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारी मेट्रो जा रही है, जिससे अभी हम लोग उतरे हैं। और अभी हमें जाना है येलो लाइन में जाना है। चांदनी चौक जाने के लिए हमें येलो लाइन लेना पड़ेगा, कश्मीरी गेट पे। अभी हम लोग एक स्टॉप बस। वेरी गुड, मेट्रो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा आता है। इसी से कहना है तुम आता तो आना जाना होगा, तब जाएंगे ना इससे। ये है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। यार मेट्रो स्टेशन भी बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। अभी नए नए जो मेट्रो स्टेशन खोल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे दिल्ली में जितने मेट्रो स्टेशन पुराने हैं वहाँ पे इतना बढ़िया मॉल जैसे ही बना दिया है। तो हम लोग येलो लाइन में आ गए हैं और बर्नौली थ्योरम। यस, अभी मेट्रो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से हम लोग मेट्रो की तरफ खींचे चले जाते हैं। कवर ही कर दिया है। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट का चांस है। भागो 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 भागो। तुम चांदनी चौक में अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली हो? मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है? यहाँ पैसे आने लगे तो? यहाँ पैसे आने लगे तो? कहाँ से? यहाँ स्टार्टअप शुरू कर लिया तुमने, यहाँ बहुत पैसे आने लगे तो फिर टाइम होगा। तो हम लोग मेन मार्केट के बीच में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर दुकान, हर दुकान पर मम्मी दादी हर दुकान पर रुकने वाली है, आराम आराम से चलना पड़ेगा। तो जो फालतू पार्ट था वो मैंने स्किप कर दिया, ये साड़ी देखने वाला पार्ट और पता नहीं कौन सा पार्ट जो हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का वो पार्ट है जो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं हम लोग। तो मॉल में अभी हम लोग खाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मेरे को तो इसी से मतलब रहता है, बाकी अगर मेरा कुछ खरीदा होता तो उससे मतलब होता। हमें कुछ पसंद नहीं आया क्या? कुछ पसंद ही नहीं आया तो फिर तो कहीं किसी भी मार्केट ले जाओ, कहीं पसंद नहीं आएगा। चांदनी चौक ले आए अब तो हाँ, चांदनी चौक में आउट ऑफ नोवेयर एक मॉल है जो पता नहीं कितने वक्त से खुला है, अभी हाल ही में कुछ नया खुला है, ओमैक्स चौक। हाँ, मैं एक बार आया हूँ उसमें, ये दूसरी बार है। एक बार आया था तो फिर पेट भरा हुआ था और फिर मेरे को कुछ सीक्रेट्स पता चले थे इस मॉल के, बढ़िया बढ़िया सीक्रेट्स पता चले थे, पता नहीं था पहले मेरे को। इस बार मैं एकदम खाली पेट आया हूँ, इतना खाली कि बस खाते जब पेट नहीं भरेगा, बहुत खाना आज। इतने भीड़ में कहाँ से मॉल आ गया? आउट ऑफ नोवेयर मॉल। दादाजी परेशान हो गए। हाँ, इसके अंदर लेकिन बार्गेन नहीं होगा उतना। अब वहाँ पे पसंद, चांदनी चौक में पसंद ही नहीं आएगा तो कहीं तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। स्विट्जरलैंड लेके जाना, स्विट्जरलैंड में लहंगा ढूंढोगे? कोस्टा कॉफी, शुरुआत ही खाने पीने से। अरे वाह, ओहो, यस यस, क्या कितना खूबसूरत बनाया हुआ, कसीदा कारी किया हुआ है, एकदम चांदनी चौक पुराने राजा महाराजाओं के जमाने का, दिल्ली छे। हाँ, दिल्ली छे की एकदम फील दे देता है। सामने तुम्हारे लिए कार्ड भी लगा हुआ है, गिफ्ट रैप। ऊपर इसके फूड कोर्ट का नाम है दावतपुर, सिटी ऑफ फूड्स।
जाओ हमें शोरूम ले लो, शोरूम खरीदो। मैं तो मैं उसमें क्या करूँगा जाके, तुम जाओ ना। बढ़िया जगह है, बाकी कुछ अभी मेरे को इस मॉल में कुछ बढ़िया तो नहीं लगता, लेकिन ये जगह बहुत बढ़िया है। बस खाने पीने की चीज़ें बस। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे, जो खाना है वो मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया जगह बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे 10-20 बार आना पड़ेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो अभी क्योंकि खाना है अभी हमने बैठ के, तो सब लोग फ्रेश होने गए हैं ताकि पेट में जगह बन जाए, उसके बाद फिर अच्छे से दबा के खाएं। तो ये जो फूड कोर्ट है इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो येलो लाइटिंग देख रहे हैं आप, ये अभी हम लोग हैं सुनहर नगरी में। इस जगह का नाम है सुनहर नगरी। कुछ खाने से भी रिलेटेड होगा फिर, जो थीम बनाया है जगह के नाम से। तो अभी हम लोग हैं सुनहर नगरी में। यहाँ पे हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं, वहाँ थोड़ा आगे देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा आगे तो नहीं जा रहे हम लोग, इधर जा रहे हैं, नहीं इधर चलते हैं। तो ग्रीन लाइट है, इस जगह का नाम है पन्नापुर, पन्नापुर ही नाम है शायद। उधर उधर होगा, उधर ब्लू लाइट होगा, उस जगह का नाम है नील नगरी। और इस साइड जाएंगे मतलब उधर से स्ट्रेट, मतलब इस साइड कुछ जाना पड़ेगा, वो उधर है, उधर क्या है, उधर लाल बाग है। हाँ, तो चार पार्ट्स में ये फूड को डिवाइडेड है। तो हमें खाना है यहाँ से शवरमा। यस, मैं बहुत खाने वाला शवरमा, मैं शवरमा खाने स्पेशली आया हूँ। ये हो भी गया एकदम, हैंड टू हैंड दे दिया हमें, हमारा ही है ना, हैंड टू हैंड। तो इतना हमने लिया, फिर हमें लगा नहीं है तो थोड़ा कम लग रहा है, ये 10 पीस है, मतलब 5 पीस है, 5 को आधा आधा काट दिया, 10 हो गया। तो हमने 5 और लिया है। हाँ, तो मेरा तो हो जाएगा, मैं तो बहुत खाने वाला हूँ। खा लिया, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही है तो मैं खाना। 10 शवरमा ले लिया, मतलब जिसमें 20 पीस हैं, ये ले लिया हमने। अब दूसरा चीज़, मैं खाना खाता हूँ अलग अलग, बहुत जगह पे मैंने बहुत अलग अलग चीज़ के मैंने फूड ट्राई किए हैं, और सिटीज़ वाइज भी कई बार डिफरेंस आ जाता है खाने में। मैं वैसे तो बिहार का फूड तो अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन मेरा सेकेंड प्रेफरेंस हमेशा रहता है लखनऊ। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, टुंडे का। अभी दिल्ली में टुंडे का खुल के और क्या चाहिए जीवन में। अभी लखनऊ का सबसे बढ़िया खाना टुंडे का अभी खा, दिल्ली में ही खाने को मिल रहा है। हाँ, तो पीछे तो है ये टुंडे का अभी। हाँ, सबसे फेमस। तो हम लोग बचा के रख रहे हैं, सब कुछ आएगा तो साथ में खाएंगे, टूट पड़ेंगे हम लोग खाने पे। फाइनली अब शवरमा टेस्ट करेंगे। रोने लगा, मजा आ गया। हाथ गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं। मजा आ गया। बस हो गया ना, तो अब सब हम खा जाते हैं। नहीं, अब पानी एक भी नहीं पीऊंगा, फिर से कुछ ज्यादा खुशी मिल जाएगी। ये मेरा लास्ट पीस है, नाम भूल गया मैं, अरे खो गया मैं। हाँ, शवरमा का लास्ट पीस है मेरा ये, सारा मजा मैं इसमें से खींच लेता हूँ, वरना तो अगर अगली बार खाना इसके शवरमा और कहीं नहीं मिलता, अगर कहीं और शवरमा मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। तो या तो चांदनी चौक आना पड़ेगा, या तो फिर डिफेंस कॉलेज जाना पड़ेगा। फरीदाबाद में ना, अभी नहीं, डिफेंस कॉलेज दिल्ली में। दिल्ली में ही, लेकिन तब भी दूर। अलबेक वहीं पर, ओरिजिनल अलबेक। तो लास्ट वाला खाते हैं, और साथ में ये भी आ गया, ये गलौटी कबाब और ये उल्टे तवे का पराठा। एक मिनट, ये गलौटी कबाब भी आप, मतलब ये जो फूड हम लोग खा रहे हैं ना, ये रेयर है एक तरह से, कहीं और खाएंगे तो वहाँ पे अच्छा नहीं होता, ये खाएंगे मज़ा आ जाएगा। ये क्या है, उल्टे तवे की रोटी, उल्टे तवे का पराठा, पराठा, और ये है गलौटी कबाब। बहुत बढ़िया चीज़ है, अभी मैं खाता हूँ। लेकिन तुमने खा लिया ऐसे पहले शवरमा, इसका टेस्ट और उसका टेस्ट का बहुत फर्क है, तो मैं वेट करूँगा।
चीज़ों को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया, ये पी लिया है। अब समय ये खाने का, बिरयानी भी हमारे पास। बढ़िया तो है, सब खराब कैसे बोल रहे हैं? मेरे को तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बिरयानी भी टेस्ट कर ही लो। हाँ बिरयानी, ठीक है, मटन मत करो, बिरयानी करो पहले, राइस। बिरयानी ठीक है, बिरयानी अच्छा है। तो ये है मेरा, जितना कुछ खाया उन सब में आखिरी पीस, आखिरी बाइट, आखिरी पल। ओह नो, खाना पड़ेगा इसको। इसको साथ ले जाता ना, सब चाट पहुंच गए। अरे चावल देख रहे, ये भी ले लेता। मजा आ गया, आज का एम, आज का मकसद पूरा हो गया। चलो सबका खत्म, सबका प्लेट खत्म, खाली पेट भी फुल, मजा आ गया। अरे मम्मी, मम्मी खड़े होने पे लग रहा है कि अभी और जगह है पेट में, खाना नीचे की तरफ चला गया। हम लोग निकल रहे हैं, हो गया बहुत हो गया, अब मेट्रो में बैठ जाऊंगा मैं, सो जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, घर जाके सो जाऊंगा, कल जाके घर स्कूल में डांट खाऊंगा। कोई बात नहीं, इतनी आदत तो होनी चाहिए स्कूल में डांट खाने की, ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं होती। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं वापस जाने के लिए येलो लाइन में, येलो लाइन से पहले कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से रेड लाइन। अभी क्या हुआ हमारे साथ? अभी मेट्रो स्कैन, मेट्रो टिकट ₹100 इसके मार लिए मेट्रो टिकट वाले ने। मैं कहता हूँ मेट्रो काउंटर पर बैठ के नौकरी कर रहे, इसका चोरी डकैती करना शुरू कर दे, ₹100 की डकैती कर रहे हैं सर। वो तो उनको पता नहीं है, मैं रील देखता हूँ बहुत। रील से पता चल जाता है सब कुछ। उन्होंने टिकट लेने गया, मैं ₹40 का टिकट हुआ, तो ₹400 मेरे को एकदम लास्ट तक दिखाया कि ₹400 दे रहा हूँ। जब देते समय ₹100 गिरा लिया, और मैंने गिन लिया, पकड़ लिया, फिर पापा और मैं चढ़ गए साथ में। ऐसे कैसे नहीं दिया? आगे आगे कश्मीर गेट एक ही स्टेशन है। त्रिवेदी को उधर क्या कर रही हो? इधर आओ, उछल के इधर, तुम कहीं और पहुंच जाओगी, उधर से जाओगी, कहीं और पहुंच जाओगी। हाँ वो दूसरी जगह जाने का है। अरे क्या मतलब, मैं गलत जगह पे हूँ? पापा के पापा है, माँ पापा। ऐसे ऐसे बच्चे लेट करवा देते हैं। ये दो है और पानी की बोतल। क्या लिया? मेंटोस। हेलो मैम। हेलो। तो मैं साइंस बताऊँ? वो जो येलो लाइन है ना, ये मेरा अभी अभी पढ़ा है स्कूल में, वो येलो लाइन क्यों होता है, उसके इस साइड रहने को क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न, जब मेट्रो आती है बहुत तेज़ी से, तो उसके पास का जो एयर होता है वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और पीछे जो प्रेशर होता है येलो लाइन के पीछे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो जैसे ही मेट्रो वहाँ पर आएगी, तुम अगर वहाँ पर खड़ी हो तो तुम पीछे से हवा तुम्हें आगे की तरफ धकेल देगी। This is science. यही रीज़न है, यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, साइंस। हाँ गिर सकता, इतना खेल सामने खड़े होंगे तो गिर ही सकता। घर की तरफ। तो हम लोग आ गए वापस अपने घर, और बहुत खा लिया, मैं होमवर्क करूँगा थोड़ा और फिर सोने से चला जाऊँगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।